सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वापस आ चुके हैं एक और न्यू GT5 गेम प्ले के साथ। तो जैसा कि आप सब लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग फरारी को लेके इधर उधर भटक रहे थे उसको बेचने के लिए, लेकिन हमें कोई सोर्स नहीं मिल रहा था यार, उसको कहाँ बेचें और कैसे बेचें। तो हमें एक बंदा ध्यान आया, डेविन वेस्टन। हाँ, ये वही बंदा है जिसके लिए हमने थोड़े दिन पहले एक $5 मिलियन का स्टैचू चुराया था। और उस डेविन वेस्टन ने एक ऐसे ही बंदे का कॉन्टैक्ट दे दिया जो कि ऐसे चोरी की गाड़ियाँ खरीदता है और लिबर्टी सिटी या बाहर की कंट्रीज़ में जाकर बेचता है। तो हम उसके घर से तो बाहर आ गए थे, लेकिन यहाँ पे एक कॉफ़ी के लिए रुके थे यार, क्योंकि उस बंदे का कॉल आया था कि मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊँगा। तो ये मार्केट उस लोकेशन के पास में ही है, तो जल्दी से अपने ट्रक में बैठ चुके हैं और सीधा चलते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर उस बंदे ने हमें मिलने के लिए बुलाया था। तो फाइनली गाइस यार, हम उस लोकेशन में पहुंच चुके हैं जहाँ उस बंदे ने हमें मिलने के लिए बुलाया था। उसने कहा था मैं अपनी एक ब्लू कलर की लैम्बो में खड़ा होऊंगा। तो देखते हैं, हाँ वो खड़ा है यार सामने, मुझे दिख तो रहा है यहाँ से। तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पर, उसको अपनी गाड़ी दिखाते हैं और देखते हैं क्या ये हमें पूरे के पूरे $16 मिलियन देगा या नहीं। तो ओके गाइस यार, हमने इस बंदे को अपनी गाड़ी चेक करा ली है, हमने सारा सीन भी समझा दिया है कि हमने इसको ब्लैक लैमिनेशन क्यों किया है। वो कह रहा कोई बात नहीं, मैं ब्लैक लैमिनेशन उतरवा लूँगा, लेकिन तुम्हें ये कार एयरपोर्ट तक पहुँचानी पड़ेगी मेरे कार्गो प्लेन के पास, क्योंकि जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो भी एक ट्रेलर में लोड होकर आ रही हैं और वो ट्रेलर फुल है, वरना मैं ये कार उसमें एडजस्ट कर लेता। तो हमने कह दिया कोई बात नहीं यार, हम तेरे से पेमेंट भी वहीं पर ले लेंगे और तेरे को कार भी वहीं पर डिलीवर कर देंगे। तो सीधा चलते हैं यार एयरपोर्ट की तरफ। तो फाइनली गाइज, मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ और वो सामने खड़ा है उसका कार्गो प्लेन। मुझे लग रहा है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है, क्योंकि ट्रक बहुत ज़्यादा स्लो है यार, हमें पहुँचते पहुँचते पूरा 1 घंटा लग गया यहाँ पर। तो जल्दी से चलते हैं उस बंदे के पास और देखते हैं कि उसका ट्रेलर आया है नहीं और कौन कौन सी गाड़ियाँ वो लेके जा रहा है यार यहाँ से। तो ओके गाइस यार, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस बंदे के पास। तो जल्दी से अपने ट्रक से उतरते हैं, सीधा चलते हैं इस बंदे के पास, लेते हैं अपने पूरे के पूरे $16 मिलियन की पेमेंट और निकलते हैं यार यहाँ से जल्दी से जल्दी। तो ओके गाइस यार, मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है और इसने कहा है कि तुम जल्दी से गाड़ी अपने अंदर लगा दो बिल्कुल आगे की साइड, क्योंकि जो मेरा ट्रेलर है वो थोड़ा लेट हो गया यार जाम की वजह से। तो वो देखो आपको सामने दिख रही होगी यार कार, वो रिचार्ड वहाँ पर छोड़ने गया है। तो जल्दी से इसे बोलते हैं कि हमें हमारे $16 मिलियन दे दे ताकि हम जल्दी से यहाँ से चले जाएं। तो ओके गाइस यार, इसने ये डिग्गी खोल के अपनी लैम्बोर्गिनी की 2 ब्रीफकेस निकाले और 1 बैग निकाला। ये कह रहा है इस बैग में पूरे के पूरे $1 मिलियन हैं और दोनों में 7.5 मिलियन के डायमंड्स हैं। तो हमने कह दिया कोई बात नहीं यार, डायमंड्स बेच के कर लेंगे अपना हिसाब किताब। तो इसने बोल दिया तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम पूरा हुआ। तो यार जल्दी है चलते हैं, बैठते हैं अपने ट्रक में। अरे यार ये तो खुला ही रह गया, रिचार्ड भाई बंद कर दे इसको। तो गाइज हमने पीछे का गेट बंद कर लिया है, जल्दी से निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर। और मैं क्या सोच रहा हूँ यार, इस ट्रक को ना हम ऐसी जगह छुपा देंगे कि अगर आगे हमें फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ जाकर इसे उठा लें और जो भी इसका काम पड़े वो कर लें। तो गाइस यार, मैंने ये बात अभी रिचार्ड को कही, रिचार्ड कह रहा है कि हमारे घर के पास में ही एक पुराना गोल्फ कोर्स है जहाँ पर कोई ज़्यादा आता नहीं, बच्चे वहाँ पर बैट बॉल खेलते हैं यार। तो हम वहाँ की पार्किंग यूज़ करेंगे इस ट्रक को छुपाने के लिए। हाँ वहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं यार पार्किंग में, लेकिन सिर्फ वही लोग लगाते हैं जिन्हें 10-12 दिन बाहर घूमने जाना होता है। तो यार वहाँ पर हमारा ट्रक सेफ भी रहेगा और आगे कभी फ्यूचर में यूज़ होगा तो हम वहाँ जाके उठा भी लेंगे। तो जल्दी से चलते हैं उस गोल्फ कोर्स की तरफ और छुपा देते हैं अपने ट्रक को। ओके गाइस यार, फाइनली हम लोग उस गोल्फ कोर्स के एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से लेते हैं राइट और सीधा अंदर चलते हैं। यहाँ मुझे ज़्यादा जगह तो दिख नहीं रही, लेकिन वो सामने जगह है यार। तो जल्दी से इस ट्रक को यहाँ पर पार्क करते हैं और निकलते हैं अपने घर की तरफ। ये गाड़ियाँ खड़ी है यार, इनमें से कोई उठा के निकल चलेंगे। ओके गाइस यार, मैं इस कन्वर्टेबल कार में आगे बैठ चुका हूँ, जल्दी से इसको भी बुलाते हैं, मैं बैठ जा। और मौसम तो देखो यार कितना ही ख़राब हो रहा है यार, और मुझे लगता है रात को इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अरे भाई बैठ गया क्या? तो अपनी गाड़ी को करते हैं बैक और इसकी मैं रूफ़ खोल लेता हूँ यार, ताकि थोड़ी फील आए गाड़ी चलाते वक्त। हाँ कोई बात नहीं, स्नो थोड़ी बहुत लगेगी लेकिन वो झेल लेंगे यार। तो सीधा इस गाड़ी में बैठ के चलते हैं अपने घर पे। तो ओके गाइस यार, हम लोग एक्लिप्स टावर के एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं और रास्ते में हम ये बात कर रहे थे कि हमें अब नया एक घर भी ले लेना चाहिए। तो हमने जल्दी से जो हमारी एक्लिप्स टावर की मैनेजर है उसको कॉल किया, उसको बुला लिया है। वो कह रही है मैं 1.5 घंटे में तुम्हारे वहाँ पर पहुँच जाऊँगी और वहीं पर तुम बात कर लेना जो भी करनी है। तो सीधा चलते हैं यार ऊपर अपने रूम में और देखते हैं इस ब्रीफ केस में कैसे और कितने डायमंड्स हैं यार। तो फाइनली गाइस यार, हम लोग ऊपर आ चुके हैं और हमने ये ब्रीफ केस भी खोल लिया यार। डायमंड्स तो देखो कितने ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, ये इतना एक्साइटेड हो गया। देखो भाई फोटो खींच रहा है, कहीं डाल मत दियो भाई फंस जाएंगे।
तो गाइज यार उस मैनेजर का अभी अभी मुझे कॉल आया कि जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं नीचे आ चुकी हूँ, जल्दी से बात कर दो जो तुम्हें बात करनी है, मुझे कहीं और भी जाना है यार। तो जल्दी से चलते हैं इस लिफ्ट से नीचे और बात करते हैं उस मैनेजर से। तो गाइज यार मैं लिफ्ट से नीचे आ गया था, मैंने इस मैनेजर से पूछ लिया है कि तुम्हारे टावर में कोई घर खाली है क्या नहीं जो हम खरीद सकें। तो इसने कह दिया हाँ दो घर खाली हैं। तो मैंने भी कह दिया दोनों घर जल्दी से हमें दिखा दो ताकि हम दोनों अपना घर फाइनल कर लें, दोनों में से एक मेरा और एक उसका। तो जल्दी से चलते हैं ऊपर और देखते हैं कौन सा घर दिखाने वाली है यार। ओके गाइज यार मैंने रिचार्ड को फोन करके ऊपर वाले फ्लोर पे बुला लिया था क्योंकि ये वाला घर जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे है। और भाई साहब क्या ही लग रहा है भाई, एक वैसे बना तो सेम हुआ है लेकिन जो इसमें थीम है वाइट और ब्लू कलर की बहुत ही ज़्यादा औसम लग रही है यार, कितना ही प्यारा लग रहा है घर। ओहो भाई मैं एक बार प्लानिंग रूम भी देख लेता हूँ यार। अरे भाई, भाई 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 बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार ये घर। तो यार मैं तो ये घर रखने वाला हूँ, चाहे दूसरा घर कितना भी अच्छा हो लेकिन मैं ये घर रखूँगा क्योंकि ये थीम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो जल्दी से चलते हैं इस मैनेजर के पास और कहते हैं दूसरा घर भी दिखा दो यार जो कि हम उसको कहेंगे वो लेगा। तो गाइस यार हम उससे भी ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं और ये घर तो देखो यार पूरा का पूरा रेड टिंट में है यार। हाँ मैं यहाँ पर रुक गया था, इससे थोड़ी रेट की बात कर रहा था और ये कह रही है कि इन दोनों में से कोई भी फ्लैट ले लो, दोनों फ्लैट आपको एक एक मिलियन डॉलर्स के पड़ेंगे। तो यार मुझे लगता है जिस हिसाब से ये थीम है, जिस हिसाब से ये डेकोरेशन है और फर्नीचर लगा लगाया मिल रहा है, एक मिलियन डॉलर्स मेरे ख्याल से ठीक है यार। और लॉस सैंटोस की इतनी बड़ी बिल्डिंग में खुद का घर तो बहुत अच्छी बात है। तो यार इसको भी पसंद करवा लेते हैं अगर, और शाम तक हम फाइनल पेमेंट भी कर देंगे और इसको कह देंगे कि कल हम इस घर में रहने भी आ जाएंगे और कल के कल हमारा पेपर वर्क भी करवा ले। ओके गाइज यार हम लोग अब अपने घर पे आ चुके हैं और यहाँ से हम एक डायमंड का ब्रीफकेस उठाकर ज्वेलरी स्टोर में जाएंगे और इन डायमंड्स को हम बेच देंगे क्योंकि अभी हमें कैश की ज़रूरत है। जल्दी से उठाते हैं अपने ब्रीफकेस को और चलते हैं अपनी गाड़ी के पास और बेच के आते हैं इन डायमंड्स को आज। तो प्लान कुछ ऐसे है, जो ये 1 मिलियन डॉलर्स बाहर पड़े हैं इसे तो हम यहीं रहने देंगे और जो डायमंड बेच के जो कैश आएगा उसमें से 1.5 मिलियन डॉलर हम निकाल के रख लेंगे, 1 मिलियन डॉलर अपार्टमेंट और बाकी के 0.5 मिलियन डॉलर अपने जेब में रखेंगे कि आते जाते कहीं खर्च करने पड़ सकते हैं यार। तो फाइनली गाइस हम लोग ज्वेलरी स्टोर के बहुत पास पहुँच चुके हैं और ये वही ज्वेलरी स्टोर है जहाँ थोड़े दिन पहले हमने स्टैचू चुराया था डेविन वेस्टन के लिए। हाँ यार यहाँ पे कोई भी ज्वेलरी स्टोर इतना अच्छा नहीं है जो कि इन डायमंड्स की पूरी कीमत दे सके, कोई ना कोई कटौती कर लेता है यार। तो गाइस यार ये बंदा यहाँ का ओनर है, मैंने इसको अपने डायमंड का ब्रीफ केस दे दिया है तो ये चेक कर रहा है यार ये डायमंड कहाँ से और कौन से हैं यार। तो गाइस यार ये कह रहा है मैं फ़ोन करके अपने आदमी से पूरे के पूरी पेमेंट मंगा लेता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर आजकल पेमेंट नहीं रख रहे क्योंकि थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी चोरी हुई थी। अरे इसे क्या पता वो चोरी हमने की थी। तो यार वेट करते हैं उस बंदे का और देखते हैं वो कब तक आता है। तो गाइस यार वो बंदा आके जा चुका है, इसने हमें पूरे के पूरे पेमेंट गिरा दिया है, जो 3 मिलियन डॉलर्स हैं वो मेरे बैग में है और बाकी के पेमेंट उसके बैग में है और रिचार्ड के हाथ में है जो। तो जल्दी से चलते हैं यहाँ से बाहर, बैठते हैं अपनी गाड़ी में और जाके सबसे पहले करते हैं अपने फ्लैट की पेमेंट। ओके गाइस यार हमने दोनों बैग को इस गाड़ी की डिग्गी में रख लिया है, जल्दी से इस डिग्गी को बंद करते हैं और बैठते हैं अपनी कार में यार। तो गाइज अगर आपको इस सीरीज़ में कुछ भी मज़ा आ रहा हो या आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट बन रहा हो तो अगले वाला एपिसोड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिसोड है वो देखना मत भूलना यार। तो चलो गाइज आज वाले एपिसोड में इतना ही, अगर आपको इस वाले एपिसोड में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए और हाँ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना यार ताकि अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में, बाय बाय।